भैया मेरे असली रे बिस्की बे ले, ओ बाबा मेरे असली रे बिस्की बे ले, दादा कोई ने रे ये तो आर देखी कोई ने रे आर जानो नहीं रे भैया देखो इनको दरबार ढोक दिया भी समय का तो चारे चित्र विचित्रों ने क्या देखा के भीषम जी कथा सुना रहे हैं माता के लिए। जब आधी सी रात है गई कथा सुनते सुनते मैया को नींद आ गई। बंधुआ चित्र विचित्र दोनों भैया एक कोने में दुबक के देख रहे हैं अपनी माँ को और भीषम को। जब मैया को नींद आ गई तो भीषम जी जब कथा सुना रहे तो मैया हुकरा ना भर रही कथा में। भीषम जी ने ध्यान दियो मान मैया हुकरा ना भर रही कथा में काहे वो। जब इन्हें ध्यान दियो देखे तो मैया सो गई। अरे वांकी मैया तो सो गई। बंधु उनका एक पैर मैया का पलका से नीचे लटक रहा था। भीषम जी ने मन में विचार किया कि मैया दुख पा रही है या को पांव नीचे लटक रो है या पलका पे कैसे धरूं, मैं हाथ तो लगा नहीं सकता। बंधुओं भीषम जी ने क्या किया, एक अंगोछा लिया अपने सिर पर एड़ुआ बांधा और जो वेद से जो कथा सुना रहे थे उस वेद को उस सिर पर रखा एंडुओं के ऊपर और मैया के पैर के नीचे नो लेंगे मुड़े और जटे उठा के नी पैर पल क्या पे रख दियो। इसी दोनों भैया ने देखो चित्र और विचित्र ने फिर सोच में लगे वहां के भैया चित्र वहां के हाँ भैया विचित्र ये तो खैर ही ऐसे के और यहां फिर समझी ने मैया के हाथों ना लगाओ हमको तो मनसा पाप लग गो। बंधुओं देखते हैं मनसा पाप किस आधार से छूटता है। आगे का कीर्तन कथा के आधार से सुनिएगा। बताइए भैया मास्टर राधे ओ पता रे होले होले भैया ओ पता रे पेता प्यारे कैसे कटे मनसा पाप कैसे कटे मनसा पाप ओ पता कैसे कटे मन सा पाप ओ बता रे कैसे कटे मन सा पाप कैसे कटे मन सा पाप ओ बता रे प्यारे कैसे कटे मन सा पाप कटे मन सा पाप।
तो फिर तो हो दुआ पे घुट के पहुंचा
तारे
मत करे रो धनिये माते आज में तेरो काल चंद छाओ करो नहीं जाते के गाते थोड़े तेरो लागे बंश चलाओ Yeah.